परिवारों के द्वारा विस्थापन को लेकर नगर पालिका के मुख्य गेट पर दिए गए धरने और पालिका प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे विरोध के आगे आखिरकार पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को झुकना पड़ा। पालिका अध्यक्ष द्वारा शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें 12 सभासदों ने हिस्सा लिया। सभी ने सर्वसम्मति से मसूरी टीएरी बाईपास रोड आईडीएच बिल्डिंग के पास पालिका की खाली पड़ी भूमिका को शिफनकोट से बेघर हुए लोगों को स्थापित करने को लेकर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। वहीं पालिका अध्यक्ष द्वारा 84 परिवारों में से 35 परिवारों को पूर्व में भी अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है। बाकी बचे लोगों को वो 2 दिन के अंदर मसूरी नगर पालिका की खाली पड़ी जगहों पर विस्थापित करेंगे। ये बातें शिफनकोट के लिए यहाँ से प्रस्ताव पारित हो चुका है और उसमें जो आईडीएस पे हमारी जमीन जो नगर पालिका ने जेएनएम प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को दी थी उसमें से एक भाग जो बचा हुआ था जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हो पाया था उस जमीन को राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दी गई है। बिल्कुल मैक्सिमम लोगों की हमने व्यवस्था कर चुके हैं और जो लोग बचे हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन लोगों की व्यवस्था जल्द से जल्द करा दी जाए। जी ने मौखिक आश्वासन दिया क्योंकि एजेंडे में टेम्परेरी व्यवस्था कहीं नहीं थी, मौखिक आश्वासन दिया है, ये लोग भी खुश हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2 दिन के अंदर इनकी टेम्परेरी व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि 40 परिवार है और 40 परिवार को बसाने का मतलब एक बहुत बड़ा आपको जगह चाहिए, आपको पूरा साजो सामान चाहिए, तो 2 दिन के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि ये व्यवस्था हो पाएगी। आज यहाँ पर बोर्ड में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कि जिला अधिकारी के मौखिक आदेश और उनकी एक कोई मौखिक ही बैठक हुई थी अध्यक्ष जी के साथ और उसमें कहा गया था अगर नगर पालिका हमें जमीन देती है, चिन्हित करके जमीन देती है तो हम यहाँ पर इन छप्पनकोट वालों के लिए जो है इनको इनके लिए फ्लैट बनाएंगे। 10 लोगों को तो माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पता चला कि 10 लोगों को तो अभी ये शिफ्ट कर रहे हैं, रह गए 30 लोग उन्होंने बोला कि कुछ जगह उन्होंने पहले ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है वहाँ पे वैसे करेंगे। मुझे लगता तो है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर